ये आपको हर चीज का सोल्यूशन है आपके लिए क्योंकि जो आप इसे अप्लाई करोगे ना तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे सो so, अगर आप टीन एज की मम्मा है अगर आप वीडियो देख रहे हो या इफ़ यू आर अ टीन तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू मेक so श्योर sure कि आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना क्योंकि मैं इसमें आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट फेस पैक्स बताऊंगी जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपके फेस में पिम्पल्स हैं सो डोंट वरी एट ऑल ये धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएंगे सबसे मेन है आपके पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना तो पॉजिटिव सोचने से ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईजिली हो जाता है जब मैं टीन में थी ना तो मेरे फेस पे भाई इतने पिंपल्स हुए ना इतने हुए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मुझे उसे जो फोटो लेना भी पसंद नहीं था इतने हो गए थे और मैंने भी ये बेवकूफी बिल्कुल की कि, कि किसी की बात सुन के ये प्रोडक्ट यूज कर लिया वो कर लिया उससे हमारी स्किन और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमारी स्किन पे क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा फिर मैंने हर चीज को छोड़ दिया और होम रेमिडीज को यूज करना स्टार्ट किया जिससे कि मेरे स्किन पे कोई भी केमिकल नहीं

So, आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि according to your skin type ही आप इस face pack को करना। वालों के लिए सबसे तो पहले मैं आपको face pack बताती अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है ना ऑयल प्रोड्यूस होगा तो पिंपल्स तो आएंगी हम ऐसा फेस पैक बनाएंगे जिससे कि आपकी स्किन पे ऑयल प्रोड्यूस ना हो सो so, उसके लिए आपको करना क्या है यू हैव टू टेक वन स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी आपको पता ही है मुल्तानी मिट्टी कितनी अच्छी होती है ये आपके स्किन से जितना भी एक्सेस ऑयल है उसे हटा देती है जिससे आपकी स्किन पे एक्सेसिव ऑयल की प्रोडक्शन नहीं होती है और आपकी स्किन से ऑयल दूर भाग जाता है और आपको इसमें ऐड करना है सैंडलवुड पाउडर सैंडलवुड पाउडर, पाउडर इज वेरी गुड फॉर योर स्किन क्योंकि जब हम टीनेज में होते हैं ना तो हमारे स्किन पे ब्रेकआउट्स बहुत होते हैं सैंडलवुड पाउडर की हेल्प से आपकी स्किन बहुत इजीली हील हो जाएगी और आप खुद बहुत हैप्पी हो जाओगे तो आपको लेना क्या है आपको लेना है स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी वन स्पून ऑफ सैंडलवुड पाउडर और आपको इसमें ऐड क्या करना है थोड़ी सी वाइल्ड टर्मरिक वाइल्ड टर्मरिक एंटीबैक्टीरियल होती है एंटी इंफ्लेमेटरी होती है जिससे कि अगर आपकी स्किन पे कोई पिंपल्स है ना एक्टिव तो वो भी सूथ हो जाते हैं प्लस आपकी स्किन पे ग्लो भी आता है तो आपको इन तीनों चीजों को अच्छे से ऐड करना है क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है या आप नॉर्मल वाटर का यूज करो या आप वो यूज करो रोज वाटर का अच्छे से इन सबको मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लो और अपनी स्किन पे उसे अप्लाई कर लो जब आप अपनी स्किन पे इसे अप्लाई करोगे ना तो आपको बहुत कूल सेंसेशन मिलेगी जिससे कि आपकी स्किन को बहुत आराम भी मिलेगा सो आपको इसे ट्वेंटी मिनट्स तक ऐसे ही लगा के रखना है जैसे ही आपका ड्राई हो जाए हल्का सा रोज वाटर का स्प्रे करो अच्छे से करो मसाज और इसे वाइप आउट कर दो जब आप वाइप आउट करोगे ना अपने चेहरे का ग्लो देखना कि कितना ज्यादा बढ़ जाएगा मैं ऐसे ही नहीं कह रही मैंने खुद ट्राई किया हुआ है और आप भी इसे ट्राई करना देन मुझे जरूर बताना अब है हमारा सेकेंड फेस पैक फॉर द ड्राई स्किन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है ना सो दिस फेस पैक इज डेफिनेटली फॉर यू इसके लिए आपको क्या करना है आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी और उसमें आपको ऐड करना है योगर्ट यानी कि दही दही घर में सभी के होता है ना तो उसी दही का हमें यूज करना है अगर आपका दही थोड़ा सा खट्टा है ना तो तो बहुत ही अच्छी बात है दही में होता है लैक्टिक एसिड जो कि आपकी स्किन को बहुत ही आराम देता है प्लस अगर आपकी स्किन ड्राई है ना तो उसे मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है कर्ड जिससे कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है स्मूथ हो जाती है और आपकी स्किन को बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलता है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यू मस्ट यूज दिस पैक इसे भी आपने ट्वेंटी मिनट्स के लिए ऐसे ही लगाना है और फिर अच्छे से मसाज करते हुए वाइप आउट कर देना है नाउ फॉर द थर्ड स्किन टाइप यानी कि सेंसिटिव स्किन जो लोग कहते हैं ना मुझे ये सूट नहीं करता मुझे वो सूट नहीं करता उनकी स्किन होती है सेंसिटिव वो लोग बहुत टेंशन में होता है कि हम ऐसा क्या यूज करें जिससे कि हमारी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाए तो so, अगर आप टीन एजर हो और आप ये टेंशन लेते हो कि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं क्या यूज करूँ तो ये वाला फेस पैक आपके लिए है आपको क्या लेना है वन टेबल स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी इसमें आपको ऐड करना है ड्रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध कच्चा दूध इतना अच्छा होता है ना आपके स्किन के लिए इसमें इतने अच्छे वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके स्किन को जब आप प्रोवाइड करते हो ना आपकी स्किन खिल उठती है इसमें आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल वन टेबलस्पून अच्छे से इन सबको मिक्स करके आपको अच्छा सा पेस्ट बना लेना है पेस्ट पेस्ट बनाने के बाद आपको इस पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है फॉर द ट्वेंटी मिनट्स अगेन देन जब ड्राई हो जाए तो अच्छे से मसाज करते हुए वाइप आउट कर देना है तो ये थे मेरे थ्री फेस पैक्स जो कि मुझे बहुत ही पसंद है जो कि मैंने हमेशा यूज किया है और जिससे डेफिनेटली आपकी स्किन भी खिल उठेगी ग्लो करेगी एक्नेस और पिंपल्स बाय बाय बोल देंगे और आपकी जितनी भी परेशानियां वो खत्म हो जाएगी अब आपकी प्रॉब्लम्स को दूर होने में सिर्फ इतनी ही देर है कि आप इस फेस पैक्स को ट्राई कब करते हो जैसे ही आप ट्राई करोगे ना फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर आप जरूर सोचोगे कि मुझे शिवानी ने फेस पैक बहुत ही अमेजिंग बताया है देन यू मस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन फेस पैक्स को यूज करके क्या बेनिफिट मिला क्योंकि जब भी आप यूज करो ना तो मुझे अगर आप बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने इसे यूज किया और आपको इसे बेनिफिट मिला आपको इन सभी फेस पैक्स को ट्वेंटी मिनट्स के लिए लगा के रखना है और आपको इन्हें फॉर द बेटर रिजल्ट्स यूज थ्राइस अ वीक क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं बहुत अच्छी हैं जो कि आपकी स्किन को बेनिफिट देंगी आपको इन्हें थ्राइस अ वीक जरूर यूज करना है जो आप इसे यूज करोगे ना फिर आप हैप्पी हैप्पी हो जाओगे अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, सो यू मस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर आपके लिए बनाऊंगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अदर लेटेस्ट वीडियोस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय